पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के तत्वावधान में युवा आदर्श ग्राम विकास कार्यक्रम का उद्घाटन प्राथमिक विद्यालय ग्राम मिलक अमावती ब्लॉक डिलारी में किया गया, जिसमें जिला युवा समन्वयक अंकित कुमार गौड़ ने ग्राम मिलक अमावती को आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया। इसी कड़ी में उनके द्वारा एक स्वच्छ भारत पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में शांति भूषण पांडे ने समस्त ग्रामवासियों को इस कार्यक्रम के विषय में बताते हुए स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि डॉक्टर कोमल जुगलान ने सभी को स्वच्छता न होने के कारण होने वाली बीमारियों से अवगत कराते हुए घर में कूड़ेदान के महत्व को बताया, जिसके उपरांत गाँव में घर घर जाकर लोगों को कूड़ेदान नेहरू युवा केंद्र के द्वारा निःशुल्क बांटे गए। सभी ग्रामवासियों को कूड़ेदान के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में हरीश कुमार, रंजीत कुमार, महेंद्र सिंह, प्रिया श्रीवास्तव, रजनी रानी एवं गांव के कई वरिष्ठ और सम्मानित लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन ईशांत शर्मा ने किया। आज का कार्यक्रम एक अच्छी सोच के साथ, एक मेहनत के साथ, भारत सरकार की योजना है युवा आदर्श ग्राम योजना, कि हम उस गांव को कैसे मॉडल के रूप में विकसित करें, कैसे एक मॉडल हो, उस मॉडल को देख करके अन्य गांव से कैसे प्रभावित हो, इन्हीं सब योजनाओं के लिए नेहरू युवा केंद्र निरंतर प्रयास कर रहा है। और ये कार्यक्रम अभी हमारे अतिथियों के द्वारा पूरे घर घर में एक कूड़ेदान उपलब्ध कराया जाएगा, और यहाँ के युवा क्लब के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक माह में कम से कम 2-3 बैठकें करके इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से और विस्तार से कैसे पहुंचाया जाए, कौन कौन सी योजनाएं यहाँ तक पहुंचाई जा सकती है।